नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन एक्विनाइट नेपालिस के बारे में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपके पास पहुंचती रहे, उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। अब हम आते हैं अपनी मेडिसिन पे, एक्विनाइट नेपालिस पे। एक्विनाइट नेपालिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि आपको घर पे जरूर रखनी चाहिए। ये इमरजेंसी में बहुत ज्यादा काम आती है, मतलब कुछ भी सडन हुआ हो, सडन फीवर आ गया हो, सडन हेडेक हो गया हो, सडन मौसम चेंज हुआ उसकी वजह से कफ हो गया हो या कोल्ड हो गया हो, तो एक्विनाइट नेपालिस बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अब कोई भी परेशानी हो जो कि एकदम से हुई हो तो एक्विनाइट नेपालिस बहुत अच्छा काम करती है। इसका स्फेयर ऑफ एक्शन कहाँ पे होता है? इसका स्फेयर ऑफ एक्शन एक्यूट डिजीजेस पे भी होता है और क्रॉनिक डिजीजेस पे भी होता है, ठीक है। और ये कहाँ से बिलोंग करती है? ये प्लांट किंगडम से ये मेडिसिन बिलोंग करती है। और सडन एंड वायलेंट कंडीशन होती है सबसे पहले, इसमें यही सबसे ज्यादा मेन है, इस कंडीशन में हम एक्विनाइट नेपालिस दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मेमोरी बहुत ज्यादा, मेमोरी वीकनेस होती है, ग्रेट फियर एंजाइटी होती है, मतलब बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा डर लगता है इसके पेशेंट को। और फियर ऑफ डेथ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इसको ये लगेगा कि इसकी डिजीज इनक्योरेबल है और ये मर जाएगा। आप जैसे आर्सेनिक में बताया था, उसको ये लगता है कि अब इसकी डिजीज क्योर ही नहीं होगी। और एक्विनाइट में क्या होता है, इसको ये लगता है कि ये मर जाएगा, इसको ये फियर होता है, ये अपना टाइम प्रेडिक्ट करने लगता है कि अब मैं मर ही जाऊंगा, ठीक है। अब आते हैं एक एक पर्टिकुलर सिम्टम पे, मतलब सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मेंटल पे। तो मेंटल में इसका माइंड कैसा होता है? इसको बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत ज्यादा फियर होता है। और एक और चीज है, ये ट्रायोज है किसका, रेस्टलेसनेस का। आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस तीन मेडिसिन है हमारी, कौन कौन सी, एक्विनाइट, आर्सेनिक एंड रस्टॉक्स। मेंटल रेस्टलेसनेस किसमें है, आर्सेनिक में। फिजिकल रेस्टलेसनेस किसमें है, रस्टॉक्स में। और एक्विनाइट में आपको दोनों रेस्टलेसनेस मिलेगी, मतलब ये क्या है, ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस। ये चीज बहुत ही मेन है, आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस किस किस मेडिसिन में है, तो आपको ये तीन मेडिसिन बता देनी है, रस्टॉक्स, एक्विनाइट, आर्सेनिक। उसके बाद आते हैं हम कि इसका फिजिकल एंड मेंटल कैसा होता है, मतलब फिजिकल और मेंटल। अब आते हैं, ये पेशेंट जो होता है अपना फिजिकल से भी परेशान रहता है और मेंटल से भी परेशान रहता है, मतलब ये फिजिकली भी बहुत ज्यादा वीक फील करेगा और मेंटली भी बहुत ज्यादा वीक फील करेगा। इसको कुछ भी हेडेक होगा तो चक्कर आने लगेंगे, इसको बहुत ज्यादा वीकनेस होगी, बहुत ज्यादा डर लगने लगेगा, घबराहट होगी। और क्या होगा, मौसम चेंज होने से, जैसे ठंड से गर्म में गया तो सडनली उसको सरदर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, या गर्म से ठंडे में चला गया तो इसको सरदर्द होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी आईज कैसी होती है, आईज में अगर प्रॉब्लम है तो कैसे पहचानेंगे कि हमें एक्विनाइट दे रही है? अचानक से रेडनेस आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी और ठंडा ठंडा पानी निकलने लगेगा, ये सडन प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम एक्विनाइट दे सकते हैं। उसके बाद इसकी नोज में से भी पानी आने लगेगा, और कैसे, सुबह सुबह जब ये उठेगा तो फिर नाक में से पानी आएगा और ब्लीडिंग भी होने लगती है कभी कभी अचानक से, तो हम एक्विनाइट दे सकते हैं। अब ये गैस्ट्रिक ट्रैक पे क्या काम करती है, गैस्ट्रिक ट्रैक में मतलब इनडाइजेशन हो रहा है, बार बार सडनली हो जा रहा है, कभी रात को खाना खराब खा लिया और अचानक से तबीयत खराब हो गई, अचानक से पेट में दर्द होने लगा, तो हम एक्विनाइट दे सकते हैं। अब इसमें बाइलस वॉमिटिंग, मतलब इसमें बंचेस टाइप में वॉमिटिंग होती है, और वॉमिटिंग के टाइम पे इसको बहुत ज्यादा एंजाइटी होगी, एंजाइटी के कारण इसको सर दर्द भी होगा और बहुत ज्यादा डर भी लगेगा। अब हम बात करते हैं इसके रेस्पिरेटरी की, रेस्पिरेटरी में क्या होगा, इसको ड्राई हैकिंग कफ होगा, मतलब जो कफ होगा इसका बहुत ज्यादा ड्राई होगा, हॉर्शनेस ऑफ नोज होगी, और क्या होगा, बहुत बुरी तरह ये खांसेगा, बहुत ही ज्यादा बुरी तरह। और लेफ्ट साइड में इसको प्रिकिंग पेन होगा, इसमें क्या होता है, लेफ्ट साइड में पेन होना शुरू होता है, तो इसमें लेफ्ट साइड में प्रिकिंग पेन होगा। और उससे क्या होगा, इसको डेवलप होगा फियर किस चीज का, डेथ का, कि अब मैं मर जाऊंगा, क्योंकि इसको ऐसा लगता है मेरी कंडीशन बहुत खराब हो गई है, अब मैं मर जाऊंगा, इसको मरने का बहुत ज्यादा फियर होता है। अब इसका फीवर कैसा होता है, सडन होगा, मैंने आपको पहले बताई थी हर चीज सडन होगी, आपको सबसे पहले यही याद रखना है इसमें कि हर चीज सडन हो रही है।
एक्सपोजर से इसको प्रॉब्लम होगी, जैसे गर्म से ठंडे में चला गया तो इसको फीवर आ जाएगा, हेडेक होगा उसकी वजह से फीवर आ जाएगा। और जो इसका उस जब ये फीवर होगा इसको तो चिल्ड स्वेट होगा, मतलब ठंडे ठंडे स्वेटिंग होगी इसको, और हाई ग्रेड फीवर होगा इसको। और इसमें एकोनाइट में क्या होता है, कन्वर्जन्स होते हैं टीथिंग इन चिल्ड्रंस, दांत किटकिटाता रहता है जो एकोनाइट का पेशेंट। अब बात करते हैं इसको एग्रीवेशन किस चीज से है, इसको इवनिंग में एंड नाइट में एग्रीवेशन है, और पेन जो है इसका इनसपोर्टेबल होता है। और क्या होगा, ये जब लाया करेगा बेड पे अगर अफेक्टेड साइड, तो इसको प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब ये एग्रीवेट हो जाएगा। एमोलरेशन किससे है, ओपन एयर से एग्रीवेशन है इसको। और एकोनाइट जो है वो एक्यूट है सल्फर का, दोनों फॉलो करती हैं एक्यूट इन्फ्लामेटरी कंडीशन, मतलब इन्फ्लामेशन दोनों में हो रहा है, पर ये एक्यूट है सल्फर का। सल्फर आप क्रॉनिक में दे सकते हैं और ये एक्यूट में दें, दोनों बहुत ही अच्छा वर्क करती हैं। अब हम बात करते हैं एकोनाइट की डोजेस कैसे देते हैं। एकोनाइट की डोजेस में क्या होगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपको फीवर आ गया, बहुत ज्यादा फीवर है, तो आप 10-10 मिनट पे एकोनाइट 30 की 6 डोजेस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे जैसे आपको रिलीफ मिलेगा तब आप 3 टाइम कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपकी कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो एकोनाइट 200 और एकोनाइट 1 एम का यूज़।